सबसे पहले जोर से बोलिए, जोर से ठीक है ये करेंगे। इसमें जो कवर होता है जिसमें मैंने बात करी थी कि आपसे कि गोली कारण कवर होता है फर्स्ट क्वालिटी है तब इसकी गारंटी की बात कर लेते हैं। तब मैंने रिपेयरिंग की बात करी थी किस तरह से क्या पाएगा, तब प्रिंटिंग की बात कर लेते हैं कि प्रिंट किस तरह से होता है। ये तो पैनल आप समझ ही नहीं हो कि पैनल किस तरह से अपना पैनल ऑपरेट होता है, या फिर भी एक बार आपको बता देना होता है कि पैनल किस तरह से ऑपरेट होता है इसका। फिर बंद करेंगे लेकिन फिर ऑन करेंगे, एक बार ऑन करने का पावर दबाएंगे, टाइमिंग और टेम्परेचर के बारे में जान लेंगे। टाइमिंग और टेम्परेचर लिखा हुआ है, सिंपल है एकदम। टाइमिंग पे क्लिक करेंगे अपना, टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे, टेम्परेचर पे हो जाएगा, और टाइमिंग पे क्लिक करेंगे, टाइमिंग हो जाएगा। इससे प्लस कर सकते हैं, इससे माइनस कर सकते हैं। हमें क्या करना है, अभी हमने वो लगाना है पावर दबा के, सिर्फ हमने एक हीटर और डबल हीटर दो बार प्रेस करना है। दो बार प्रेस करेंगे 190 अब इतने 190 जाएगा, हम इतने इसका इसको प्रोसेसर देख लेते हैं कि प्रोसेसर किस तरह से अपना कटिंग करके लगा देंगे, इतने टेम्परेचर जाएगा इतने इस पर कर लेंगे। अब इसमें क्या है, पहले कटिंग कर लेते हैं इसको। कटिंग कर दिया, लोगो भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर, लोगो लोगो भी आपका प्रिंट हो जाएगा इसके अंदर। पहले आपने लोगो लगा देना है, ये आपका लोगो लग गया ठीक है। लोगो लगने के बाद कर देंगे, करने के बाद कर देंगे। आपको एकदम ईजी लगेगा जिस टाइम करोगे ना, ईजी लगेगा। वैसे भी ईजी लग रहा होगा कि कैसे होता है, सिर्फ इंक और पेपर का कमाल है और हीटर का। इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। ये तो 8 मिनट वाला प्रोसेस है, 2 मिनट वाला बता रहा हूँ। ये इसको अटैच किया इस तरह, अटैच करने के बाद इस तरह से आप रख देंगे। इतना अपना मशीन जाएगा और भी कुछ काम कर सकते हो आप, तो उस पर आप डिज़ाइन बना सकते हो या कोई भी आपका कवर है इस तरह से अटैच करके आप रख देंगे। तो एक बार में इसमें 3 वाले कवर या 6 भी कर सकते हो, साइज के ऊपर डिपेंड करते हो। अभी काम ही कर सकते हो आप, बनाए तो आईपैड का है तो आईपैड का तो एक या दो, मिनी का है तो दो कर सकते हो, आईपैड है तो एक ही कर सकते हो। इतना ही साइज है इसमें, ज़्यादा बड़ा साइज है नहीं, आप उसमें ज़्यादा बड़ा कर सकते हो। इस टाइप के मोबाइल का आप 6 मोबाइल पहले वाली वीडियो में क्या करते थे, 3 बना के 6 देख सकते हो मशीन किस तरह से अपना हीट हो गया नीचे पर। आपने क्या करना है इसको ओपन करने के बाद कर देना, फ्रेश करना है, फिर हो जाता है 3 वैक्यूम कर देना, वैक्यूम में ऑटोमेटिक ले लेगा, वैक्यूम को यूज़ कर। इस तरह से हमने चारों कोने करने, ठीक है कुछ आ मुझे देख ऐसे दिक्कत है कोई नहीं ऑन है। ओपन किया पहले हीटिंग दिशा में, तो इसलिए टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है। 190 जाएगा फिर टाइमिंग स्टार्ट कर देंगे।
जैसा कि देख रहे हो 190 आ गया, 190 के आसपास हो जाता है, फिर टाइम इसका स्टार्ट करना है। वो आप 8 मिनट टाइम लगेगा, कुछ और काम भी कर सकते हो आप इसमें, सीधा डिजाइनिंग करना कुछ भी काम कर सकते हो 8 मिनट का। इसका 8 मिनट बता कर बताइए। जैसे कि दोस्तों देख चुके हैं पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये अपना कवर इसका समझ आ गया, ठीक है। कोई डाउट आपको किसी को वर्ल्ड कवर का समझ आ गया, कर सकते हो अपना। इस तरह से कंप्लीट जो प्रोसेस है 3D मोबाइल कवर का, 3D मशीन में जैसे रिपेयरिंग के बाद हमने बताया कि कैसे आपको मोबाइल कवर प्रिंट करना है। तो इस तरह से जो 8 मिनट का टाइमिंग लेने के बाद जो मोबाइल कवर जो प्रिंट होकर डाई के साथ, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से प्रिंट हुआ है। तो इस तरह की कंप्लीट ट्रेनिंग जो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से सर ले रहे हैं यहाँ पर, तो कंप्लीट ट्रेनिंग लेने के बाद ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि ट्रेनिंग सही से ले पा रहे हैं कि नहीं, तो वो भी हम जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से ट्रेनिंग कम्प्लीट हुई इनकी। तब तक देखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको दूसरी मशीन्स की जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लैट प्रेस है, मशीन है और भी जो प्रोडक्ट यहाँ पर लगे हुए हैं, तो उनको प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है उसके साथ हम आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और हमारे वीडियो को इसी तरह से लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।